नमस्कार दोस्तों, मैं शिव सिंह एक बार फिर से आप सभी का एवरीथिंग अबाउट एमएलएम के अंदर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अभी रिसेंटली जब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था यूट्यूब चैनल के अंदर अपने, तो मुझे एक कमेंट जो सबसे कॉमन मिला वो ये था कि सर नेटवर्क मार्केटिंग पूरा लक का खेल है। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको जो आपके सवाल है आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग लक का खेल है तो आप बिल्कुल सही हो सर, बिल्कुल सही है, लक का ही खेल है। पूछो कैसे? आपकी क्लास के अंदर जब आप स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे थे तो आपकी क्लास के अंदर 40 से 50 बच्चे थे। उन 40 से 50 बच्चों के बीच में कितने बच्चे ऐसे थे जो क्लास में फर्स्ट आते थे? जब आप कमेंट करिएगा मैं जानना चाहूँगा। तकरीबन अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो उस क्लास के अंदर टॉप करते हैं, फर्स्ट आते हैं। उसी तरीके से जब ग्रेजुएशन में अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा आपकी जो क्लास थी उसके अंदर फर्स्ट कौन आता था, टॉप कौन करता था? सेम आंसर, एक या दो बच्चे होंगे। अब जब इतनी चीज़ को समझिएगा, हर जगह पे रेशियो केवल यही है, जहाँ पे 45 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे केवल एक बच्चा टॉप कर रहा है, जहाँ पे 90 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक बच्चा टॉप कर रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं, और यहाँ पे भी फिर कितने लोग टॉप करेंगे? केवल वही टॉप करेगा जो सिस्टम को फॉलो करेगा, जो डेडिकेशन के साथ काम करेगा। यहाँ पे लक कुछ होता ही नहीं सर। अगर यहाँ पे लक कुछ होता तो वो इंसान कामयाब ही नहीं हो सकता जिसको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। यहाँ पे टोटल जो सपोर्ट सिस्टम है, जो टोटल और टोटल जो हेल्पफुल चीज़ है वो है आपका सपोर्ट सिस्टम। सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आप अपने सपोर्ट सिस्टम को किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। अगर आप अपने सपोर्ट सिस्टम के को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे सर, आपका सक्सेसफुल होना डेफिनेट है और पक्का है। अगर मैं लक की बात करूँ सर, कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें लक की उसने डेफिनेशन बहुत बढ़िया दी थी। सुनना चाहेंगे सर? लक की डेफिनेशन थी, मतलब इसके एब्रीवेशन थी एक तरीके से LUCK, लक। लक मतलब लेबर, यू मतलब अंडर, सी मतलब करेक्ट, के मतलब नॉलेज। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जहाँ पे लक डिपेंड करता ना हो। मतलब लक वो होता है जहाँ पे आप लेबर करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, वो भी बिल्कुल सही नॉलेज के अंडर। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको एक सिस्टम दिया जाता है, जिस सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सक्सेसफुल होना, आपका कामयाब होना बिल्कुल डेफिनेटली है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, जो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, यहाँ तक कि अपने फील्ड के अंदर इतना सब कुछ उनको नहीं पता था, पर फिर भी डेफिनेट पर्पज़ हुआ उनके पास, मतलब एक बर्निंग डिज़ायर हुआ उनके पास, एक उनके पास गोल्स थे, रिटर्न गोल्स थे, जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया और आज की डेट में वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। कैसे? केवल इस सिस्टम को फॉलो करके, नेटवर्क मार्केटिंग को करके। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई लक नहीं चाहिए होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चाहिए होता है प्योर सिस्टमैटिक वर्क, सिस्टम को फॉलो करना और स्मार्ट वर्क। जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करें तो इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देखिए, आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपने यहाँ पर कुछ सीखा होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं लेकर के आता हूँ ऐसे ही वीडियोस जहाँ पे आपके सवाल के मैं जवाब देता हूँ और साथ साथ में आपकी हेल्प करता हूँ कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करें जिस तरीके से मैं ग्रो कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार।